गाइज वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज इस रीडिंग में हम उन लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जो टोटल सेपरेशन या नो कांटेक्ट में है। बिल्कुल भी उनकी उनके पार्टनर से कोई कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए आज की रीडिंग है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि जो लोग पूरा टोटल सेपरेशन और नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की उन्हें लेकर क्या फीलिंग्स है इस वक्त। ओके यहाँ पे पहला कार्ड है रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। सॉरी रिपेयर प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। ब्रोकन ड्रीम्स। और फॉरगिवनेस। और यहाँ पे रेडिकल ऑनेस्टी है। जहाँ तक के मैं देख पा रही हूँ जो मेजर एनर्जीज है आपके पर्सन की, आप कह सकते हो काफ़ी जिस सिचुएशन में आप हो उसके हिसाब से तो काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि उनका फोकस है अपने आप को सुधारने पे, अपने एक्शंस को सुधारने पे, अपनी सोच को सुधारने में। ठीक है, सो जो भी वो सोच रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में है, कुछ भी गलत नहीं सोच रहे। जो भी सोचना इनका चल रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही सोच रहे हैं। तो कह सकते हो सिचुएशन इम्प्रूव ही हुई है। इनका जो सोचने का तरीका है, आपके बारे में जो सोच रहे हैं, रिश्ते के बारे में जो सोच रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले बात अगर की जाए तो मुझे लगता है हुएवर यू आर डीलिंग विथ, ये जो पर्सन है ये इट्स लाइक के ये इसीलिए भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अभी आपसे बात करेंगे तो पहली चीज़ तो या तो आप उन्हें समझोगे नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं, और दूसरी बात उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अभी बात करी तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, या मुझे जिस तरह से मतलब उसके एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा नहीं उतर पाऊँगा, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। ये उनकी सोच मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही सच में करोगे, लेकिन इट्स लाइक वो आपके बारे में जो समझ रखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस वक्त कुछ भी बोलेंगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप या तो समझोगे कि वो रिएक्ट कर रहे हैं या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या उनकी बातों को गलत तरीके से ले रहे हो। ठीक है, सो इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त कोई भी कम्युनिकेशन करना आपसे। हैंग्ड मैन की यस, वही चीज़ उन्हें रोक रही है। ओके क्योंकि ये पर्सन आपके रिएक्शन को लेकर या मे बी उनके वो जिस जो भी बताना चाह रहे हैं उसको लेकर आप कैसे रिएक्ट करोगे उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा यू नो कहते हैं ना कि एक डर है उनके अंदर। सो दैट इज़ वाई वो कोई इस अभी तक उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया है, कॉल मैसेज उन्होंने नहीं किया आपको। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही नहीं करेंगे, दे आर टेकिंग देयर टाइम, वो सही टाइम पे बात करना चाहते हैं। एक चीज़ और अच्छी है कि ये इंसान इस रिश्ते पर अब काम करना चाहते हैं, जिस भी वजह से रिश्ता टूटा है, ख़राब हुआ है, दे वॉन्ट टू हील इट, दे वॉन्ट टू मेक इट राइट नाउ। ठीक है, वो चाहते हैं कि रिश्ते को सुधारा जाए, रिश्ते को बेटर किया जाए, जो भी गिले शिकवे हुए हैं उन्हें दूर किए जाए और रिश्ते पे काम किया जाए। बेसिकली दे वॉन्ट टू रिपेयर द कनेक्शन, वो इस रिश्ते को कहते हैं ना कि हील करना चाहते हैं। और बट उन्हें ये चीज़ भी पता है कि रिश्ता दोनों का है, दोनों ट्राई करोगे तो ही कुछ हो पाएगा, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। राइट, नाइट ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। सो या ये पर्सन जानते हैं कि रिश्ते पे काम करना मतलब आज सोच लिया और कल कर लिया ऐसा नहीं है, दे नीड टू टेक देयर टाइम, वो टाइम लेना चाहते हैं, धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव इट टाइम, दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू द कनेक्शन, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहते हैं। ओके, जो भी एक्शन लेंगे सोच समझ के लेंगे, और हो सकता है कि इनका जो कहते हैं ना कि आपके तरफ बढ़ने की या एक्शन लेने की
इनकी इंटेंसिटी आपको थोड़ी स्लो लग सकती है, बट दे आर रेडी फॉर इट, वो उतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है. देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट और इस सेपरेशन में. आप ऐसी कई चीज़ें हैं उनके आसपास, ऐसी कई बातें हैं जो आपकी याद दिलाती है. आपके कोई गिफ्ट्स हो सकते हैं, आपकी कोई तस्वीर हो सकती है. मुझे लगता है इनके पास आपकी कई सारी तस्वीरें हैं, ओके, जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं. एंड कहीं ना कहीं एक ना होने में भी होने का एहसास दिलाते हैं. सो दे मिस यू अ लॉट. यहाँ पे जो कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्स है, डेफिनेटली ये पर्सन दे वॉन्ट टू बिल्ड विथ यू. ये पर्सन आपके साथ बिल्ड ग्रो होना चाहते हैं, बिल्ड होना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, ओके. एंड देखिए, इस पर्सन का कैसा हो गया ना, इनकी लाइफ एक खुली किताब हो गई है. पास्ट में भी आप हो, प्रेजेंट में भी आप हो, फ्यूचर में भी आप हो. एंड जब सारी जगह पे आप ही हो तो हाउ कैन दे नॉट मिस यू. सो बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन. ब्रोकन ड्रीम्स, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है, बहुत हर्ट हो रहे हैं कि जो सपने हमने देखे एक दूसरे के साथ, कहीं वो टूट तो नहीं जाएंगे, यू नो. क्योंकि रिलेशनशिप इसी सिचुएशन में है जहाँ पे ऐसा फील होना बहुत ही नेचुरल है. यस, टेम्परेंस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, क्यों सिचुएशन बैलेंस में नहीं आ पा रही है. क्या हम ऐसा करें जिससे कि हमारे सपने ना टूटे, हमारा रिश्ता ना टूटे और सब कुछ हील हो जाए, बैलेंस हो जाए, ओके. क्योंकि दे आर हर्ट. जब आपके साथ उनका रिश्ता सही नहीं होता है, दे फील वेरी हर्ट, ओके. एंड मुझे ये भी लगता है ये पर्सन दे आर ट्राइंग टू फॉरगिव देमसेल्व्स. देखिए, इंसान से ही गलती होती है, और इंसान सही इंसान वो होता है जो अपनी गलती मानता है, और आपके पर्सन अपनी गलती मान रहे हैं. यस, इनके अंदर बहुत ईगो है. देखा जाए तो आपको छोड़कर इनकी लाइफ में ये सबसे जिनसे भी डील करते हैं ना, एक अलग एटीट्यूड लेकर कैरी करते हैं. लेकिन आपके सामने आते ही इनका दिल पिघल जाता है, और ये पर्सन इमोशनल सेंसिटिव साइड हो आप इनकी, तो ये पर्सन अपने आप को भी माफ़ कर रहे हैं और ये आपको भी माफ़ करें. इनकेस अगर आपसे कोई गलती हुई थी और ये आपको नहीं माफ़ कर पा रहे थे, नाउ दे आर ट्राइंग टू फॉरगिव यू ऑल्सो. ठीक है, लेट्स सी फ्यूचर एनर्जीज. आपके पार्टनर पाइशन हो सकते हैं या सैगिटेरियस हो सकते हैं, ओके. डिवाइन हमें क्लियर बताए प्लीज़ फ्यूचर एनर्जीज क्या होगा, इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस या फिर इस रिश्ते में क्या फ्यूचर एनर्जीज होने वाले हैं, ओके. टिक टॉक, लेग अप, द हायर पावर, फ्लेक्सिबल, ओके. एक चीज़ तो है कि जो भी चीज़ आपके रिश्ते को स्पॉइल कर रही है, बर्बाद कर रही है, ख़राब कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है आपके बीच के प्यार को, आपके ऐसी होती है ना, कई सारे लोग ऐसे, कई सारी बातें होती है दिल में जो ज़रूरी नहीं होती, रिडंडेंट होती है, जिसे हटा देना ही बेहतर है दिमाग से, दिल से, लाइक ज़िंदगी से. तो ऐसा है आपके पर्सन की लाइफ में, जो भी है वो, ये पर्सन उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालते हुए मुझे दिख रहे हैं. और आसान, जितना आसान हो सके रास्ता आपके पास आने का, दे आर ट्राइंग टू यू नो ऑब्स्टैकल्स को क्लियर करते हुए आने वाले टाइम में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं. और आप देखोगे कि ये इंसान, दे विल स्पीक देयर ट्रूथ, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपनी सारी सच्चाई आपके सामने कहते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में, ओके. क्योंकि उन्हें लगता है कि दम घुटता है, कुछ चीज़ें छुपाने से मन में रह जाती है, दम घुटता है, तो इट्स बेटर टू से इट, ओके. देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इट्स गोइंग टू बी योर राइट टाइम. मैं हमेशा जो बोलती हूँ ना कि सही टाइम, डिवाइन टाइम, आपका सही टाइम आने वाला है बहुत ही जल्द. यस, आप मैनिफेस्ट करो, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर. आप मैनिफेस्ट करोगे तो जो चीज़ें बहुत लेट होने वाली है वो चीज़ें जल्दी होना शुरू हो जाएगी. तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, ओके. रिश्ते को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, रिश्ते में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो. यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो.
बस आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए कि नहीं मुझे इस रिश्ते को सही करना है। ओके और आपके पर्सन की तरफ से आप देखोगे ना बहुत फटाफट से, यू नो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि आपने सोचा भी नहीं है कि ये इंसान मेरे तरफ आएगा भी वापस लौट के और कुछ होगा हमारे बीच में। लेकिन चीज़ें इतनी फटाफट होगी और जितना आप मैनिफेस्ट करोगे उतनी जल्दी जल्दी होती जाएगी। ओके मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे आपके पर्सन इज़ वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ओके सही है, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है इस पर्सन के सामने आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में इनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। लेकिन बिकॉज अनडिसाइडेड होंगे, अनश्योर होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, वो एक्शन नहीं लेंगे। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस पर्सन टू अंडरस्टैंड कि कब सही अपॉर्चुनिटी है। वो बोलते हैं ना कि कब गर्म है लोहा जिससे कि मार दिया जाए हथौड़ा, तो दे विल बी वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। सही टाइम पे ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। एंड देखिए आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपको एक नई शुरुआत करने के लिए जो आपको हेल्प मिल रही है वो हाइयर पावर की मिल रही है, यू नो, और हाइयर पावर जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रोक सकती है आप दोनों को मिलाने के लिए। तो यस, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको हेल्प मिलने वाली है, सपोर्ट मिलने वाला है यूनिवर्स का, डिवाइन का। ओके और चाहे आप दोनों भी ट्राई ना करो एक दूसरे की तरफ आने के लिए, लेकिन यूनिवर्स आप दोनों को खींच लाएगा एक नई शुरुआत करने के लिए। मुझे ये भी लगता है कि देखिए आप दोनों को एक दूसरे की तरफ आना होगा। एक ही इंसान ट्राई कर रहा है, दूसरा इंसान कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, सो दिस कांट वर्क राइट। इट्स लाइक अ टीम वर्क, रिश्ता है, दोनों को निभाना है, दोनों को एक दूसरे की तरफ। वो पांच कदम आपके तरफ आ रहे तो पांच कदम आपको भी उनके तरफ लेने होंगे। सो यू नीड टू एडजस्ट। ओके और ये पर्सन भी एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपने ईगो को साइड में रख कर कुछ चीज़ें करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो यू नीड टू बी ओपन टू दैट, यू नो आपको रिस्पेक्ट करनी होगी कि हाँ ये इंसान अपने आप को बदल रहा है, अपने तरीके को बदल रहा है, अपनी सोच को बदल रहा है मेरे लिए, फॉर दिस रिलेशनशिप। सो मुझे भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में कोई अर्ज नहीं है। सो दैट वॉज इट, आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं विश करती हूँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, टोटल सेपरेशन में हैं, उनका सेपरेशन ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द, वो लोग करीब आ जाए और उनका रिश्ता ब्यूटीफुल हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।